फर्स्ट लेसन के विषय में चर्चा करेंगे। कक्षा 12 के प्रथम लेसन का जो द्वितीय टॉपिक है वो आपका है माइक्रो प्रोपेगेशन। ये माइक्रो प्रोपेगेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक अत्यधिक विकसित तकनीक है। तो आइए देखते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन है इसको हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ये सूक्ष्म प्रवर्धन, ये सूक्ष्म प्रवर्धन जो टेक्नोलॉजी टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा हम नए प्लांट्स को प्रयोगशाला में उत्पन्न करते हैं। उनको किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं या पौधे के किन किन भागों के द्वारा हम उनको लैब में बनाते हैं या नया पौधा तैयार करते हैं, वो टेक्निक हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो ये माइक्रो प्रोपेगेशन तकनीकी है या सूक्ष्म प्रवर्धन है, इसको हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो इस सूक्ष्म प्रवर्धन जो विधि है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आती है। वेजिटेटिव जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन की एक अत्यधिक विकसित विधि है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ही विकसित विधि है। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला में हम नए पौधों को तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से पौधों को तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन के अंतर्गत जो मदर सेल होती है या मात्र कोशिका होती है, या कह लीजिए मात्र पौधा होता है, मात्र पौधा जो मात्र पौधा होता है, मात्र पौधे से कुछ पार्ट हम अलग कर लेते हैं, उसके छोटे छोटे भागों से या उसकी सेल निकाल लेते हैं या फिर टिश्यू। जो मात्र पौधा होता है, मदर सेल जो होती है, ठीक मात्र पौधा कह लीजिए, उस मात्र पौधे से हम सेल को अलग कर लेते हैं या फिर टिश्यू को अलग कर लेते हैं या इसके अतिरिक्त हम उसके किसी छोटे भाग को अलग कर लेते हैं, और इन तीनों में से किसी भाग को प्रयोगशाला में ले जाते हैं और वहां पर जो कृत्रिम ढंग से तैयार किया गया पोषण होता है, न्यूट्रिएंट होता है, उस पोषण में हम उसको उगाते हैं। और उगाने के लिए जो है नियंत्रित वातावरण भी होना चाहिए, यानी जो लैब हो उस लैब का नियंत्रित टेम्परेचर हो, नियंत्रित तापमान हो या लाइट, यानी नियंत्रित तापमान हो और नियंत्रित लाइट भी होना चाहिए, यानी उचित टेम्परेचर की उपस्थिति में और उचित लाइट की उपस्थिति में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से हम नए पौधों को डेवलप करते हैं यानी विकसित करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कायिक प्रवर्धन की ये विधि है। इस विधि के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में नए पौधों को डेवलप करते हैं और इसके साथ साथ इसके द्वारा हम सरलतापूर्वक प्रयोगशाला में नए पौधों को भी उत्पन्न कर लेते हैं। अब किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, इसकी एक लाइन की परिभाषा हम बताए दे रहे हैं, आप समझ लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए। प्रयोगशाला में
कृत्रिम पोषण के माध्यम से, कृत्रिम ढंग से जो तैयार किया गया पोषण हो, फ्लूइड हो, यानी तरल जो हम तैयार करते हैं प्रयोगशाला में, कृत्रिम पोषण के माध्यम से पौधे की कोशिका अथवा सेल या अन्य किसी भाग के द्वारा, यानी जो प्लांट्स है, यानी मात्र पौधा है, मात्र पौधे से हम लिखे दे रहे हैं, मात्र पौधे से या कि हम कोशिका अलग कर लेते हैं या उत्तर या फिर अन्य कोई भाग, छोटा भाग, ये कंडीशन बस आपके जो थ्योरी है माइक्रोप्रोपेगेशन की बस इसी में समाहित है। ये चार शब्द जो आपके लिखे हैं, इन्हीं चार शब्दों को परस्पर मिला देने से माइक्रोप्रोपेगेशन की जो तकनीक है वो परफेक्ट हो जाती है। अब वो कैसे परफेक्ट हो जाती है देख लीजिए। यहाँ पर मात्र पौधा लिखा हुआ, यहाँ से आप शुरू करिए, इसके आगे आप जोड़ दीजिए लैब, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रक्रिया है, ये लैब में ही संपन्न हो सकती है। तो देखिए, प्रयोगशाला में मात्र पौधे की सहायता से, प्रयोगशाला में मात्र पौधे की सहायता से हम इस पौधे की कोशिका या उत्तक या कोई अन्य भाग अलग कर लेते हैं। प्रयोगशाला में मात्र पौधे से हम कोशिका को या उत्तक को या किसी अन्य छोटे भाग को इसे अलग कर लेते हैं। फिर नियंत्रित तापमान और लाइट आदि की उपस्थिति में, यानी नियंत्रित तापमान लाइट आदि की उपस्थिति में कृत्रिम पोषण के माध्यम से नए पौधों को विकसित करना ही माइक्रोप्रोपेगेशन कहलाता है। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल ही होंगी। इसके बाद आप प्रयोगशाला में अब तैयार करेंगे तो उसके लिए कोई जो है आपके पास टेस्ट ट्यूब होना चाहिए या ट्रब होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में नए पौधों को तैयार करना ही माइक्रोप्रोपेगेशन कहलाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा है, परिभाषा हम इसकी बोर्ड पर जो है एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन यह भी ये जो तकनीकी है, ठीक है, ये बहुत ही विकसित है या बहुत ही डेवलप कहेंगे या इसको आधुनिक विधि कहेंगे। आधुनिक विधि है, इस विधि के द्वारा
प्रयोगशाला में मात्र पौधे, प्रयोगशाला में मात्र पौधे की कोशिका या ऊतक या अन्य किसी भाग के पर या अन्य किसी भाग के द्वारा या अन्य किसी भाग के द्वारा प्रयोगशाला में मात्र पौधे की कोशिका ऊतक या अन्य किसी भाग अन्य किसी भाग के द्वारा कृत्रिम पोषण माध्यम में कृत्रिम पोषण माध्यम नियंत्रित वातावरण जैसे प्रकाश आदि की सहायता से के द्वारा कृत्रिम पोषण माध्यम में तथा नियंत्रित वातावरण जैसे ताप, प्रकाश, आग की सहायता से परख नली में नए पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोप्रोपेगेशन। हमने आपकी थ्योरी पूरी लिख दी। ये परीक्षण बहुत पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कायिक जो जनन है, कायिक प्रवर्धन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसके अंतर्गत अगर कुछ पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन है। यह वह विधि है जिसके द्वारा हम परख नली की सहायता से, यानी जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब की सहायता से हम प्रयोगशाला में जो लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, उस लैब में कृत्रिम ढंग से जो तैयार किया पोषण होता है, कृत्रिम ढंग से जो पोषक पदार्थ हम तैयार करते हैं, उस पोषक पदार्थ में पौधे के कुछ भाग निकाल कर डाल देते हैं और उस पोषक पदार्थ से नए पौधे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी विकास शुरू हो जाता है, नया पौधा बन करके तैयार हो जाता है। और ये सारी प्रोसेस तभी संपन्न हो सकती है जब नियंत्रित वातावरण हो। नियंत्रित यदि वातावरण नहीं है तो नए पौधों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे आप खेत में बुआई करते हैं तो उचित अगर वातावरण उसको नहीं मिल रहा है तो बीज अंकुरित नहीं होते हैं, वो फिर सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। जब उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तब वो फिर अंकुरित होते हैं, चाहे साल हो या 2 साल हो या 10 साल तक वो सुषुप्तावस्था में मृदा में पड़े रहते हैं सॉइल में, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब वो बीज स्वतः अपने आप अंकुरित हो आते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये हो गई आपकी जो है तकनीकी माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसके द्वारा नए पौधों को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। और इसकी जो थ्योरी हमने लिखी है इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसमें बस 4-5 शब्द आपको याद करना है,
बाकी तो अपने आप थ्योरी बनती ही चली जाती है। वो शब्द कौन से हैं उनको हम नोट किए दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। यानी किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी आवश्यक सामग्री क्या है इसके लिए। माइक्रो प्रोपेगेशन जो विधि है, इस विधि के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता जिस चीज की है वो हम आपको लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप को प्रयोगशाला होनी चाहिए आपके पास। देखिए ये सब याद कर लीजिए बस, प्रयोगशाला। और प्रयोगशाला में नंबर दो परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, लैब परख नली टेस्ट ट्यूब यानी, और फिर मात्र पौधे के भार। भार जैसे कोशिका, ऊतक या अन्य छोटे भाग या अन्य कोई छोटे भाग, ये। और फिर चौथा उचित वातावरण। उचित वातावरण पांचवा पॉइंट है कृत्रिम पोषण। कृत्रिम पोषण, कृत्रिम पोषण पदार्थ, इतनी चीजों की आवश्यकता होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो नए पौधे को प्रयोगशाला में सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। उसमें सबसे पहले लैब होना चाहिए, इसके बाद टेस्ट ट्यूब यानी परख नली, परख नली के बाद मदर सेल होती है, ठीक है। मदर सेल के भाग होने चाहिए, मदर सेल जो हो उस मदर सेल से आप कलेक्ट कर लीजिए कोशिका, ऊतक। यदि दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल रही या अवेलेबल वहाँ पर नहीं है तो आप कोई अन्य छोटे भाग उस प्लांट्स के ले लीजिए, और इन छोटे भागों को जैसे कोशिका है या ऊतक है या अन्य कोई भाग है, इन भागों को उचित वातावरण की उपस्थिति में। अब उचित वातावरण है क्या, जैसे ताप, टेम्परेचर और प्रकाश आदि, ये चीज़ें उचित मात्रा में जब अवेलेबल हैं वहाँ पर या उपस्थित हैं तो आगे फिर कृत्रिम पोषण पदार्थ जो है, जिस जो पोषक तत्व हों उन पोषक तत्वों का जो बना हुआ घोल हो या सोल्यूशन बनाए हो वहाँ पर, उसकी जरूरत पड़ती है। इस कृत्रिम पोषण पदार्थ के माध्यम से उचित वातावरण की सहायता से प्रयोगशाला में परख नली के माध्यम से मात्र पौधे की कोशिका, ऊतक या उसके अन्य किसी छोटे भाग के द्वारा प्रयोगशाला में नए पौधों को बनाने की विधि माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। ये फर्स्ट लेसन का सेकेंड टॉपिक था, और इकाई प्रवर्धन की ही एक विधि है। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपको अगला लेसन पढ़ाया जाएगा फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादप। पुष्पी पादप में हम आपको अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में बताएंगे पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं जिनके माध्यम से नए बीजों का निर्माण होता है या नए पौधों का विकास होता है या नए पौधे डेवलप होते हैं। धन्यवाद।